हाँ जी तो कल बोलो। वाला एक क्वेश्चन वापस करा सकते हैं आप, आखिरी वाला ही नाम लिखा हुआ है मैंने। ओके हाँ जरूर कराएंगे। अब मुझे थोड़ा रिकॉल करा दो, लास्ट एग्जैक्टली कौन सा वाला डिस्कस कर रहे थे हम? फाइंड मिनिमम डिस्टेंस यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कैलकुलस एंड रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव लॉसेस से किया भी नहीं है, है ना? तो कंप्लीट तुम्हें करना है, तो मैं आपको उसे समझाने के लिए क्या बता रहा था, थोड़ा सा कैलकुलस, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि जो डीवाई बाय स्लोप होता है, बट ये स्लोप मैंने अभी बताया नहीं एग्जैक्टली। मैंने आपको उस दिन शायद लाइन की इक्वेशन बताई थी, वाई इक्वल एमएक्स प्लस सी, ध्यान है आपको? हाँ सर, राइट। और डिफरेंशिएशन भी थोड़ा सा बताया था, तो डिफरेंशिएशन में वहीं से कंटिन्यू करते हैं, है ना? जैसे मान लो कोई वाई, अगर मान लो एक्स की पावर 5 है, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है? 5x4, ठीक जी सर, है ना? ये हमें मालूम है। और अगर मान लो वाई है x5 4x3 2x+1, राइट? तो प्लस प्लस या प्लस माइनस से कनेक्टेड है टर्म्स। तो अगर मुझे पूरे को डिफरेंशिएट करना है, तो मुझे क्या करना है, हर टर्म को डिफरेंशिएट करना है एक्चुअली। यानी फर्स्ट टर्म क्या है, x5, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5x4। सेकेंड टर्म का क्या होगा, 4 तो है ही, 3 आगे आएगा, तो ये हो जाएगा 12x2। और 2x है, तो 2x मतलब x की पावर क्या है, 1, राइट? तो ये क्या हो जाएगा, 2 × 1 x^0, और x की पावर 0 क्या होता है, 1। तो यानी 2x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओनली 2। और जो 1 है, 1 के साथ में क्या होता है एक्चुअली, x^0। इसे अगर डिफरेंशिएट करेंगे, वैसे ही मैंने बताया था कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, 0। आई होप ये याद है, आखिरी राइट? वाला, आखिरी वाला पॉइंट याद था, उससे पहले जो वापस जैसे किया था वो एक बार वापस समझा दिए कैसे ये वाला, डिफरेंशिएट, मतलब इससे पहले के तीन वही भूल ओके, कोई गया, कंफ्यूज हो गया था। जी बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जैसे चलो मैं दोबारा गुड बताता हूँ, इवनिंग सर। मतलब वो हाँ समझा गुड दिए इवनिंग बेटा, कैसे करते हैं। ठीक है, दोबारा बताता हूँ। देखो x^5 है, ये तो करना आ गया ना, खुद ही बोल दो आप क्या होना चाहिए। 5 आगे आएगा, x होगा पावर 4 हो जाएगी, पावर 1 से कम हो जाती है, ये क्लियर है, ये वाला समझ अब समझ गया सर। हाँ गए ना, हाँ राइट? और ये 4 है सामने, और x³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 3x², ठीक है ना? ये 2x है, राइट? चलो मैं इसको आगे भी कर देता हूँ, ये 5x⁴ है, और ये कितना हो जाएगा, 12x². अब 2x^1 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 as it is 1 आगे, और x^0, तो ये 2 × 1 है एक्चुअली। तो 2 × 1 क्या होता है, 2 ही होता है। और जो लास्ट टर्म है वो क्या है, 1x^0 एक्चुअली, है ना? तो हम क्या लिखेंगे, 1 तो कांस्टेंट आगे वो तो लिखेंगे, और जीरो पावर हो आएगी आगे, और ये x^-1 हो जाएगी, बट ये 0 मल्टीप्लाइड है इसलिए ये हो जाएगा 0, ठीक है ना? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जाएगा। समझ गया सही सर। हाँ ओके ओके। और अंशिका, आपको भी क्लियर है बेटा, ये डिफरेंशिएशन यस सर। क्लियर है? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ कि डिफरेंशिएट करना हमें आ गया है ना, मतलब बेसिक वाला। वैसे तो बहुत सारे टर्म्स हैं, ट्रिग्नोमेट्री का अपना डिफरेंशिएशन होगा, कि साइन थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो बन जाता है कॉस थीटा, कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं -sin θ, है ना? टेन थीटा को sec²θ, एंड सो ऑन। बट अभी फिलहाल हमारा काम इससे चल जाएगा, हमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, हमें पूरा का पूरा कैलकुलस नहीं सीखना, पर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए कि अगर कोई फंक्शन है तो उसे डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। तो वो तो मैंने आपके सामने रख दिया है ना, मुझे लगता है ये तो ये क्लियर होगा आपको। और मैंने आपको पिछली क्लास में स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताई थी, क्या बताई थी, y = mx + c, क्या याद है? एक स्ट्रेट लाइन, कोई लीनियर इक्वेशन है ये x और y में, x^1 y^1, इसे मैं प्लॉट करूंगा तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन। ये आपको मालूम है लीनियर इक्वेशन को जब हम प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इज अ स्ट्रेट लाइन एक्चुअली, है ना? इफ यू प्लॉट इट ऑन अ ग्राफ पेपर और ऑन अ सिस्टम विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आपको याद है कि एम का मैंने क्या नाम बताया था, एम क्या चीज होती है अदनान? याद नहीं है, ओके, उसमें कोई इशू नहीं है, आप कह दो चीज याद नहीं है, ठीक है ना? वो मैं बता दूंगा, लेकिन आपको बस ये देखना है, याद है तो एकदम बताओ, नहीं है तो इट्स ओके, उसमें कोई भी बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना? अदनान तुम्हारी याद नहीं है क्या? नहीं सर। नो प्रॉब्लम।
अंशिका तुम्हें याद है अगर मैंने ये इक्वेशन बताई थी y इक्वल टू mx प्लस c, तो मैंने कुछ बताया था कि m क्या होता है, क्या बताया था मैंने m क्या होता है? आपने बताया था पर मुझे याद नहीं है। चलो मान लिया, ठीक है अब ध्यान से सुनते हैं। m का मैंने नाम बताया था स्लोप ऑफ द लाइन, m इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप क्या होता है वो ही बताता है, मैं सब बताऊंगा उसमें कोई इश्यू नहीं है, अब याद रखो बस m इज द स्लोप ऑफ द लाइन राइट। और c को मैं क्या बताया था, इट इज द y इंटरसेप्ट, ठीक है ना, क्या बताया था भाई, और सॉरी सी क्या बताया था मैंने, वाई इंटरसेप्ट, ये याद रखो। अब दोनों का मतलब सर क्या है ना, मीनिंग इंटरसेप्ट बताता हूँ मैं, बताता हूँ। हाँ इंटरसेप्ट इज द वर्ड, बट व्हाट एग्जैक्टली द मीनिंग इज वो मैं आपको प्लॉट करके बताऊंगा। सपोज ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस है, और मैंने इस लाइन को प्लॉट किया, इस इक्वेशन को प्लॉट किया। अब प्लॉट करना शायद आपको आता है, शायद मैंने बताया था, वो भी बताना तो बता दूंगा। अदरवाइज अगर ये प्लॉट कर लें और हमें ये लाइन मिलती है ऐसे, सपोज दिस इज अ लाइन। अच्छा आपको याद है अगर ये प्लॉट करना हो तो कैसे प्लॉट करेंगे, मैं बता जाए वो भी। इसके लिए नहीं टेबल सर, बनाया जाता है, याद है याद है ना, सर। टेबल हाँ बनाते हैं है ना, एक्स वाई लिखते हैं इट्स लाइक तो कम से कम ये दो, शूट है ना। करते हैं वैल्यूज वेरी गुड, तो सर, ये तो हमने पिछले हाँ वाले क्लासेस में भी किया है। बेटा बिल्कुल वही 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 चीज है। तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था कि दो पॉइंट हम ढूंढ लेंगे, एक्स वन वाई वन ढूंढ लेंगे, एक्स टू वाई टू ढूंढ लेंगे, है ना, पुट करके। और सपोज हमें वो दो पॉइंट मिल गए, कहीं कहाँ मिल गए, मान लो एक पॉइंट ये मिल गया, एक पॉइंट हमें ये मिल गया सपोज। अब ये ब्लू कलर का लाइन जो है वो क्या है, इन दोनों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दो, यही है ग्राफ ऑफ दिस वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो स्ट्रेट लाइन आता है जिसको देख के हम कहते हैं ओके इट इज अ स्ट्रेट लाइन बनने के बाद, है ना। कोई हो सकता है पैराबोला शेप हो, कोई है जैसे क्वाड्रेटिक में क्या होता है पैराबोला बनता है। तो लीनियर इक्वेशन जो होती है एक्स की पावर वन वाई की पावर वन वाली, ये हमेशा क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन। इसे अब हम अच्छे से याद करते हैं, ठीक है, कि इसका एक बनना है स्ट्रेट लाइन। ओके चलो स्ट्रेट लाइन बन गई। अब यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक इस लाइन का स्लोप का मतलब क्या है, क्या होता है ये स्लोप, और दूसरा ये वाई इंटरसेप्ट क्या है, ये सी क्या है राइट। ये जो लाइन होगी ये वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगी, अगर ये पैरेलल टू द वाई एक्सिस है तभी ये कट नहीं करेगी, अदरवाइज ये कहीं ना कहीं कट करेगी। तो जहां भी ये कट करने वाली है, तो इसको मैं ब्राउन कलर से दिखाता हूँ, मान लो ये यहाँ कट करती है तो ओरिजिन को इसे ज्वाइन कर दो, ये इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट कह लो, जो वाई एक्सिस काटेगा है ना, जो वाई कोऑर्डिनेट है दैट इज कॉल्ड द वाई इंटरसेप्ट, या कहेंगे दिस लेंथ इज द वाई इंटरसेप्ट। तो ये है सी, एंड इस केस में ये सी कैसा है, पॉजिटिव। अगर ओरिजिन से ऊपर कट करता है तो सी कैसा आता है, पॉजिटिव, है ना। प्लॉट करके हो सकता है हमारी इक्वेशन ऐसी आती, मतलब सॉरी ग्राफ ऐसा बनता कुछ, कैसा मान लो ऐसा बनता। अगर ऐसा बनता तो अब ये वाला पॉइंट होता जहां ये वाई एक्सिस को कट करता, तो इसका जो कोऑर्डिनेट आता वो नेगेटिव आता, तो इस केस में हमारा जो वाई इंटरसेप्ट होता वो ये लेंथ होती, है ना, और ये कैसी होती, नेगेटिव। पहले अंडरस्टैंड कर लो आराम से कि वाई इंटरसेप्ट क्या चीज होती है, ठीक है ना। ये लाइन वाई एक्सिस को कहीं ना कहीं कट करेगा, है ना, तो वाई को जहां पे कट करता है दैट कोऑर्डिनेट ऑफ द वाई इज कॉल्ड एज वाई इंटरसेप्ट। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो। इफ द लाइन इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सपोज सोचो ओरिजिन से पास कर रही होती लाइन, ठीक है ना, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होता, जहां कट करती जीरो होता, तो उस केस में वाई इंटरसेप्ट क्या होता, जीरो। तो पहले इसका मतलब समझ लो अच्छे से कि सी क्या चीज है, वाई इंटरसेप्ट। क्या ये क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके जी सर। ओके अब ध्यान से सुनना, स्लोप के बारे में बात करूंगा। स्लोप तो लास्ट क्लास में मैंने बात की थी वैसे, अगर आपको याद आ रहा हो तो स्लोप क्या था, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है, इससे जो एंगल बनेगा दिस थीटा, जो ये लाइन एंगल बनाएगी, चाहे वो ये थीटा हो, चलो थीटा वन बोल देते हैं, दूसरी लाइन है तो ये एंगल क्या है, थीटा टू, थीटा वन एंड थीटा टू। तो इस लाइन का जो स्लोप है, एम सिंबल था स्लोप के लिए, तो मैं भी दो लाइनें बनाई है मैंने, इसलिए इसको एम वन बोल देता हूँ, इसके लिए एम टू बोल देता हूँ। तो एम वन बराबर होगा टेन थीटा वन, और इसका क्या होगा, टेन थीटा टू। तो अच्छे से समझ लो, टेन थीटा वन टेन थीटा टू, क्या कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो अब आपको मालूम है कि अगर एंगल एक्यूट होता है, 0-90 के बीच में होता है, तो tan थीटा इज पॉजिटिव, यानी इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट tan थीटा इज पॉजिटिव, तो स्लोप हो गया पॉजिटिव। स्लोप क्या हो गया, पॉजिटिव। ठीक है, तो थीटा वन भी एक्यूट है, थीटा टू भी एक्यूट है, और इसका मतलब दोनों ये स्लोप्स क्या है, पॉजिटिव, राइट। तो हमें ये आइडिया लग गया। अब कोई अगर मैं ऐसे ग्राफ बनाऊं कि मान लो
ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और प्लॉट करने पर मान लो ग्राफ बन जाता है कुछ ऐसा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस तो ये है, तो ये जो एंगल बनाएगा वो होगा ये थीटा थ्री और ये साफ दिख रहा है। चलो एक मिनट बेटा, चलिए कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अभी देखते हैं मे भी ठीक हो जाए। चलिए तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये एंगल क्या है, ये है अब्ट्यूस एंगल। तो इसका जो स्लोप होगा m3 वो क्या हो जाएगा, tan थीटा 3, क्या हो जाएगा, tan थीटा 3, और थीटा 3 हमारा क्या है, अब्ट्यूस, और ये होगा यहाँ पर नेगेटिव। क्या बड़ा क्लियर है जी सर। और जो C है y इंटरसेप्ट, ये कैसा है, ये पॉजिटिव है, ठीक है ना, ये पॉजिटिव है। तो लाइन की इक्वेशन यानी अब हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि देखो ये इतनी जो कॉर्नर ज्योमेट्री हमें जरूरत पड़ती रहेगी, आगे हम ग्राफ्स भी करेंगे या कुछ भी करते हैं, तो दिस मच इज रिक्वायर्ड, तो ये हम अच्छे से ध्यान से करें। और अब यहाँ सीखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कि y is equal to mx plus c अगर एक लाइन है, ठीक है ना, m स्लोप होता है, तो इसको अगर मैं कहूं कि डिफरेंशिएट करें, dy by dx निकालें, चलिए dy by dx निकालते हैं, तो mx का डिफरेंशिएशन क्या होगा बताएं भाई, mx को डिफरेंशिएट करते हैं तो अदनान क्या आने वाला है, सर m m आएगा, बिल्कुल सही बात है ना, और c तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन तो क्या होता है, जीरो जीरो जी। तो यानी dy / dx क्या देगा, ये हमें देगा स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है ना, ये क्या देगा, स्लोप ऑफ द लाइन। तो ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया dy / dx का। तो ये तो क्या स्ट्रेट लाइन थी, और स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप होता है वो सिंगल वैल्यू ही होती है ना, चाहे कहीं से निकालें, अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन है तो इतने हिस्से का स्लोप निकालूं मैं या इतने हिस्से का निकालूं, कहीं से निकालूं स्लोप तो सेम ही आने वाला है, स्लोप डिफरेंट नहीं आएगा। बट क्या होगा अगर हम कर्व की बात कर रहे हैं, है ना, किसी अगर हम कर्व की बात कर रहे हैं, तब ये dy / dx हमें क्या देगा, ये चलिए समझते हैं। तो मान लो कर्व जो है वो ऐसा बना, मान लो ऐसा बना, ठीक है, तो ये y एक्सिस है, ये एक्सिस है, और अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ये P1 पॉइंट है ना, ये कोई P2 पॉइंट है, राइट। तो अब टेंजेंट शब्द आपने सुना होगा, एक टेंजेंट, यस सर, क्या होता है भाई टेंजेंट, एक सर्कल से कोई सर्कल की सर्कमफेरेंस से कोई लाइन पास जो कर रही होती है, जैसे एक पॉइंट सर्कल का एक पॉइंट पे जो टच होती है वो टेंजेंट होती है, एक पॉइंट पे जो टच होती है, तो ये टेंजेंट टू द सर्कल भी हो सकता है, ये टेंजेंट टू द कर्व भी हो सकता है। तो टेंजेंट खाली शब्द सर्कल तक ही सीमित नहीं है, ये इवन किसी कर्व के लिए भी हम कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब ये P1 पॉइंट है ना, तो यहां पे अगर मैं एक लाइन बनाऊं सीधी जो केवल इस पॉइंट पे टच करती हुई सीधी आ जाए, तो दिस इज द tangent to the curve at point P1, ठीक है ना। और अगर मैं P2 पे बनाऊं, P2 पे, तो ये वो स्ट्रेट लाइन होगी जो केवल एक ही पॉइंट पे टच कर रही है एट P2। तो दीज आर द टू टेंजेंट्स, राइट। तो जो टेंजेंट वन है वो जो एंगल बनाएगा x एक्सिस से वो है मान लो थीटा वन, और जो टेंजेंट टू है वो एंगल बनाते हैं मान लो थीटा टू। तो टेंजेंट वन का जो स्लोप है ना वो क्या होगा, वो होगा tan थीटा वन, स्ट्रेट लाइन है ना, तो tan थीटा वन ही होगा।
और जो एम टू होगा वो क्या होगा, वो होगा टेन थीटा टू। तो अभी अभी हमने सीखा कि भाई जो डी वाई बाई डी एक्स होता है वो क्या देता है, स्लोप ऑफ द लाइन एक्चुअली, और कर्व के केस हम कह सकते हैं इट इज द, इट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। तो डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट वन और ये डी वाई बाई डी एक्स एट पॉइंट टू। अब हमें ये समझना है कि डी वाई बाई डी एक्स एट वन और डी वाई डी एक्स एट टू का मतलब क्या है, ठीक है ना। तो इसे तो पहले नोट कर लो और याद कर लो कि डी वाई बाई डी एक्स बेसिकली देता क्या है। तो डी वाई बाई डी एक्स देगा स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन पॉइंट, ठीक है ना। गिवन पॉइंट मतलब वन या टू या थ्री, जिसकी बात करना चाहते हैं आप। तो इन पॉइंट्स पर जो स्लोप होगा वो देगा डी वाई बाई डी एक्स, राइट। चलिए तो क्या ये क्लियर है? जी सर। चलिए बहुत ही बढ़िया, इसे नोट कर लें और फिर मैं आगे बताता हूँ। चलिए इसे नोट कर लीजिए। सर आपने वो वाली स्क्रीन हटा दी। ओह यस, एक्चुअली मैं दूसरे डिवाइस से इसको ज्वाइन कर रहा हूँ, तो एक मिनट, चलिए एक मिनट दीजिए मुझे। चलिए तो यहाँ तक क्या नोट कर लिया आप लोगों ने? जी सर। तो डी वाई डी एक्स है स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द गिवन पॉइंट। और स्लोप निकालने का मैंने एक तरीका और बताया था कि अगर कोऑर्डिनेट्स पता हो, जैसे P2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या थे, मान लो X2, Y2, और P1 के कोऑर्डिनेट क्या थे, X1, Y1, तो P1, P2 को जॉइन करने वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा, जो P1, P2 को जॉइन करती है लाइन वो क्या होती है, स्लोप ऑफ P1, P2, तो वो होगा Y2 माइनस Y1 ओवर X2 माइनस X1, याद है ना। यानी कोई भी लाइन जिसके दो पॉइंट्स, जो दो पॉइंट लाई कर रहे हैं ऑन द लाइन एंड वी नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दोस पॉइंट्स, देन यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन गेट द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहां तक नोट कर लें अच्छे से। ठीक है, चलो भाई अब तो हो गया होगा। अदनान सर मेरा तो हो गया, मैं नहीं बोल रहा सर, आई हैव आल्सो डन। ओके तो बताओ भाई, बताओ चलो आगे बढ़ते हैं।
तो यानी डीवाई बाई डीएक्स अगर हम निकालते हैं किसी कर्व का तो हमें टेंजेंट मिलता है एट अ पॉइंट। अब एट अ पॉइंट का मतलब क्या है कि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दोगे डीवाई बाई डीएक्स एक्सप्रेशन में तो यू विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट, राइट। बट इन जनरल डीवाई बाई डीएक्स क्या होता है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो टेंजेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग टेंजेंट होंगे, ठीक है ना। तो अगर उस पॉइंट के जिस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप निकालना चाहते हो, है ना, यानी टेंजेंट जिस पॉइंट पर टच कर रहा है कर्व को, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमें पता हो और हम पुट कर दें तो विल गेट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट दैट पॉइंट। ठीक है, मेरा क्लियर है, सही है? फिर वापस बोल दिए एक बार, वापस बोल देते हैं। ये चलो छोड़ो, इसको देखते हैं कि अगर मान लो इक्वेशन है 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 सपोज, राइट। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x प्लस 4। अब ये एक x का फंक्शन है। अब मैं चाहता हूं कि भैया टेंजेंट का स्लोप बताओ जहां पे x का कोऑर्डिनेट क्या है, 2। x कोऑर्डिनेट क्या है, 2। तो मैं कहूंगा ठीक है जी, तो dy by dx x equal to 2, यानी at x equal to 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 10 into 2 plus 4, यानी कि 24। अगर कोई कहे कि कर्व तो वही है भाई, लेकिन x equal to 5 पे बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या है, हम कहेंगे ठीक है निकाल देते हैं। तो dy by dx at x equal to 5, तो dy by dx क्या है, वो तो ये है ना 10x plus 4, तो हम क्या करेंगे x की जगह 5 पुट कर देंगे और यहां मिलेगा हमें 54, राइट। कर्व वही है पर ये पॉइंट्स अलग हैं। एक पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट था 2, तो वहां टेंजेंट कितना आया, स्लोप कितना आया उसका 24। एक दूसरा पॉइंट था जिसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या था, 5, तो वहां स्लोप कितना आएगा, 54, एंड सो ऑन। यानी किसी भी पॉइंट पर अगर हमें टेंजेंट का स्लोप बताना है तो डीवाई बाई डीएक्स निकालने के बाद ये जो भी एक्सप्रेशन आएगा इसमें एक्स क्या, वो कोऑर्डिनेट पुट कर देंगे, है ना, जहां पर आप इंटरेस्टेड हैं स्लोप निकालने में टेंजेंट का, और आपको मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट। क्या भी क्लियर है? Yes, sir. मतलब क्या होता है, पहली चीज, पहला मीनिंग क्या है डीवाई डीएक्स का, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स या डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो दो मीनिंग, चलो अब ये हम समराइज भी कर लेते हैं। डीवाई बाई डीएक्स बेसिकली क्या क्या है, the rate of change of y with respect to x, और क्या बोलते हैं, differentiation of y with respect to x या differential coefficient of y with respect to x, right। चलिए, और इसका जो geometrical meaning है, geometrical meaning, तो dy by dx क्या देता है, it gives the slope of the tangent, ठीक है ना। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं तो इसको बहुत ज्यादा मैं डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो यानी आप ये जान लें, बस ये हमें याद रखना है कि dy by dx क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ना। पर इन जनरल अगर कोई बोले जस्ट dy क्या है, तो इट्स अ स्मॉल चेंज इन y, dx क्या है, स्मॉल चेंज इन x, ठीक है। और dy by dx को क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। और ठीक है, अब ये रेट ऑफ चेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जैसे फिजिक्स में और जैसे काइनेमेटिक्स में जो वेलोसिटी होती है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी r वेक्टर अगर गिवन है टाइम के टर्म्स में तो dr by dt विल गिव मी वेलोसिटी, ठीक है ना, वेलोसिटी। और अगर मान लो वेलोसिटी गिवन है टाइम के टर्म्स में, जैसे v मान लो है 5t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1, कुछ भी फंक्शन मान लो मैं टाइम का, तो dv by dt विल गिव मी एक्सीलरेशन, बिकॉज एक्सीलरेशन बाय डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है जी। इवन फोर्स क्या होता है, dp by dt, p is momentum, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज फोर्स, एंड सो ऑन, अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। जैसे पावर भी क्या है, dw by dt, रेट ऑफ डूइंग वर्क, पार्ट याद होगा है ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना पार्ट, एंड सो ऑन। मतलब बहुत सारी टर्म्स अब डिफाइन होने वाली है फिजिक्स में इस रेट ऑफ चेंज से, है ना। तो यानी हमें पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए कि dy by dx का मतलब क्या है, कहते क्या है, अच्छा निकालते कैसे हैं। अगर अलजेब्रिक फंक्शन है तो निकालना तो हमें आ गया, x की पावर n है तो n को आगे लेके आओ और पावर को एक कम कर दो, यानी n-1 कर दो, यानी एक बेसिक सा अलजेब्रिक का डिफरेंशिएशन भी हमें करना आ गया।
फिर हमने सीखा कि टेंजेंट का मतलब क्या होता है, टेंजेंट का स्लोप का मतलब क्या होता है इन जनरल, स्लोप कैसे निकालते हैं. तो dy/dx ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा है, इट गिव्स द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व. यहां तक क्लियर है? यस सर. चलिए अंशिका क्लियर है, अलनान जी सर. राइट, हमें कहां तक पहुंच गया? हां बोलो. पिछला पेज भी दिखा देगा बस. आधा मैंने जी, एक से देख लो बिल्कुल बिल्कुल. अब tan थीटा स्लोप होता है तो आपको एटलीस्ट tan थीटा की कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए. जैसे मैं आपसे कहूं कि tan 30 कितना होता है, तो याद है कितना होता है tan 30? अंशिका tan 30 कितना होता है? ट्रिग्नोमेट्री वाला tan 30. सर 1/√3 होता है ना. चलिए अदनान ने बताया 1/√3. अच्छा अंशिका मेरी आवाज आ रही है? सर यस सर. अच्छा एक चीज देखो, जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर यू नो द आंसर या यू डोंट नो द आंसर, है ना. पर एक चीज हमेशा करनी है, यू शुड रिप्लाई, है ना. रिप्लाई मींस व्हाट? इफ यू नो द आंसर गिव द आंसर, इफ यू डोंट नो द आंसर से एटलीस्ट कि यू डोंट नो द आंसर. ठीक है ना, चुप मत बैठा करो. ठीक है ना, चुप मत बैठा करो, है ना, क्योंकि उससे फिर कम्युनिकेशन ब्रेक होता है, आगे हम चल ही नहीं पाते हैं. भाई अगर आपको नहीं आता तो सीख लेंगे और क्या है, है ना, आता है तो बहुत अच्छी बात है. ठीक है, तो इसमें चुप रहने का कोई मतलब आपको कहीं गिल्टी फीलिंग नहीं होनी चाहिए यार मुझे नहीं आता. इट्स ओके, मतलब ठीक है, हर दुनिया में सब कुछ सबको थोड़ी आता है. ठीक है, तो सीखना है, तो जो चीज नहीं आती है सीख जाएंगे एट द मोस्ट, और क्या होगा. तो इसी एटीट्यूड के साथ पढ़ना है, आपको फटाफट आंसर देना है. आइदर यू विल से कि हाँ जी ये रहा आंसर, या बोल दो नहीं आता जी, है ना. दो चीजें एकदम होनी चाहिए रेडी आपकी, जो नहीं आता उसमें कोई शर्म नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, नहीं आता तो नहीं आता, इट्स ओके, सीखने तो आए भाई, है ना, सीखेंगे, उसमें क्या इशू है. ठीक है, तो आंसर लेकिन रिप्लाई बहुत फास्ट आना चाहिए, वेरी फास्ट, राइट. आपको हेजिटेट तो करना है, सोचना नहीं है कि मुझे क्या बोलना है, बस बोल दो, आप जो आपको ठीक लग रहा है वो बोल दो, आता है आंसर बोल दो, नहीं आता तो बोल दो. ठीक है ना, लेकिन जल्दी चीजों को बिल्ड करना है, जो जो आपको नहीं आता वो जल्दी सीखना है, जल्दी बिल्ड करके ऊपर मूव करना है, राइट. तो उसमें हेजिटेशन या बाकी चीजों की कोई जगह नहीं. चलिए अब मैं वो क्या बोल रहा था, हाँ अदनान क्या कह रहा था मैं? सर tan 30. तो आपको क्या करना है कि tan का थोड़ा सा टेबल वेबल थोड़ा वैल्यूज याद होनी चाहिए. अगर आपको याद नहीं है, है ना, जैसे अदनान ने फटाफट बताया लेकिन आपको याद नहीं है, कोई इशू नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको याद करा देता हूँ एटलीस्ट. ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि जो वैल्यू होती है, एक तो होता है 0, 30, 45, 60, 90 स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है. साइन थीटा भी याद करो, कॉस थीटा भी याद करो, टेन थीटा भी याद करो. साइन थीटा याद होगा, ये 0 होता है, ये हाफ, ये 1/√2, ये √3/2 और ये 1. कॉस थीटा इसका रिवर्स चलता है, ये 1√3/2, 1/√2, हाफ एंड ये 0. ठीक है ना, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा / cos थीटा, दोनों को डिवाइड कर दो आ जाएगा, या आता है 0, या आएगा 1/√3, या आएगा 1, या आएगा √3, या आएगा नॉट डिफाइंड और इनफिनिटी. अच्छा मेरा पर्पस यहाँ टेबल खाली याद कराना नहीं था, एक चीज और बताना था, वह है इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना, तो ये मैं ठीक से बताऊंगा अभी जिसकी जरूरत है हमें. ओके, इनक्रीजिंग फंक्शन, जैसे sin थीटा है, देखो ध्यान से, अगर y बराबर साइन थीटा होता तो थीटा जैसे 0 से मूव करता है थीटा टू 90, तो व्हाट इज हैपनिंग विद द साइन थीटा वैल्यू, है ना, थीटा अलग चाहिए, साइन थीटा अलग चाहिए. तो थीटा अगर 0 से 30 होता है, 30 से 45, 45 से 60 एंड देन 90, व्हाट इज हैपनिंग विद द साइन थीटा वैल्यू, क्योंकि y कौन है, इंक्रीज हो रही है, इट इज इंक्रीज, वेरी गुड, इट इज इंक्रीज. सो मैं कहूंगा कि फ्रॉम फॉर द इंटरवल 0 टू 90 sin theta is a increasing function,
ये हमें याद रखना है अच्छे से, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आगे की चीजें समझने के लिए। हमें समझना है कि अगर एंगल बढ़ता है और वाई साइन थीटा भी बढ़ता है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि एज थीटा मूव्स फ्रॉम 0 टू 90 साइन थीटा आल्सो इंक्रीजेस, मींस साइन थीटा इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन द इंटरवल फ्रॉम 0 टू 90। क्या ये समझ में आ रहा है? तो ये वर्ड्स में लिखना है तो लिख दो, ठीक है ना, कि साइन थीटा इज एन increasing function from theta is equal to 0 to theta is equal to 90। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अपने वर्ड अच्छे अच्छे से लिखे हैं, साफ साफ लिखिएगा। तो sin theta is an increasing function from theta is equal to 0 to theta equal to 90। अच्छा, cos theta के बारे में क्या ख्याल है? cos theta कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग? इंक्रीजिंग सर, उसको उल्टा ही है एकदम, है ना। तो इट इज डिक्रीजिंग, है ना। साइन जो कॉस थीटा, सॉरी कॉस जीरो इज वन, एक्चुअली कॉस थीटा या साइन थीटा के मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? वन ही होती है, वन से बड़ा कभी होता ही नहीं। और मिनिमम क्या होती है? वो माइनस वन होती है, एक्चुअली जीरो नहीं, याद रखना, लेकिन वो किसी और क्वाड्रेंट में, वो अलग बात है, ठीक है। तो साइन थीटा फंक्शन इज बिटवीन माइनस वन एंड प्लस वन, कॉस थीटा इज ऑल्सो माइनस वन एंड प्लस वन, है ना। बट फॉर जीरो टू 90 इंटरवल कॉस थीटा इज द डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना। थीटा जैसे बढ़ रहा है, कॉस थीटा घट रहा है, है ना। तो हम आगे इसको लिख लेते हैं, cos theta, चलो साफ साफ ही लिख लेता हूँ थोड़ा सा, cos theta is an decreasing function, है ना, in the same interval। अब बात करते हैं tan theta की, जिसमें हमें ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है। चलो बताओ भाई, tan theta का क्या बोलेंगे, is it increasing or decreasing function 0 से 90 के बीच में? सर increasing, स्पेसिफिक उसमें नहीं, नहीं इंक्रीजिंग है, बिल्कुल इंक्रीजिंग है, क्योंकि tan 0 is 0, tan 30 is 1 by root 3, है ना, tan 45 is 1 and 1 is greater than this, और tan 60 is root 3, root 3 और still बड़ा है, 1.732 होता है, और sin tan 90 तो है infinite है, या non defined कर लो, but it's very large। तो यानी 0 से 90 के बीच में tan theta is a increasing function, तो लिख लेते हैं increasing function, ठीक है ना, in the same interval 0 to 90। तो यहाँ मेरा पर्पस टेबल तो था ही बताना, प्लस दो शब्द इंट्रोड्यूस करना था, वो था इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, राइट। अब ये क्यों समझना है, क्योंकि इसके हेल्प से ही हम आगे मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए, इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें एक और वर्ड सीखना है, वो है सेकंड डेरिवेटिव, है ना, सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है? ये डी बाय डी एक्स होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाय डी एक्स होता है एक्चुअली। यानी एक बार डिफरेंशिएट किया तो डी वाई बाय डी एक्स आया, इसको एक बार और कर देंगे तो इसे क्या बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है ना। यानी डी बाय डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स, और इसको लिखने का तरीका क्या है, डी टू वाई बाय डी एक्स टू। क्या लिखना है, ये स्क्वायर नहीं है, इसे ऐसे नहीं बोलते डी स्क्वायर वाई और डी एक्स स्क्वायर, इट इज नॉट अ स्क्वायर, इट इज डी टू वाई बाई डी एक्स टू, यानी सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे अगर y है x की पावर 5 प्लस 4 x प्लस 1, तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, डी वाई डी एक्स, कितना आया 5 x की पावर 4 प्लस 4, तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव, लिखना तो लिख लो ऐसे, फर्स्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव, ठीक है। अब एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं इसको, तो अब कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे डी टू वाई बाई डी एक्स, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 20 x cube plus 0,
यानी केवल 20x³ आएगा, तो ये 4 तो कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0, और 5x की पावर 4 का क्या आएगा, 20x³। है क्लियर है? तो सेकंड डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है? बस सेम चीज वापस कर दी ना, मतलब क्या बोल रहे हैं? करना आ गया। अब क्यों कर रहे हैं और इसका यूज क्या है वो मैं अभी बताऊंगा। तो पहले आप सीख लें कि सेकंड डेरिवेटिव निकालते कैसे, बस दो बार डिफरेंशिएट करना होता है और कुछ भी नहीं है। या यूं कहें कि वाई में क्या किया था, वाई के फंक्शन को डिफरेंशिएट किया था। अभी सेकंड बार किसको किया है, अभी स्लोप के फंक्शन को किया। यानी ये क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप। कोई डिवाइड बाय x क्या था, स्लोप। तो इसको चलो वर्ड्स में लिख लेंगे, क्योंकि d2y / dx2 है क्या, ये d / dx ऑफ dy / dx है, और dy / dx क्या था, वो तो स्लोप था, है ना, dy / dx तो स्लोप था। तो इसका मतलब ये क्या है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप है रिस्पेक्ट टू एक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी मीनिंग हमें एकदम क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली जब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो एक्चुअली किसका रेट ऑफ चेंज निकाल रहे हैं, है ना। डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फिर डी टू वाई बाई डी एक्स क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व है। स्लोप किस रेट से चेंज हो रहा है ये बता रहा है ये सेकंड डेरिवेटिव। क्या समझ आ गया? हां जी बेटा आ गया। और नान? हां सर। ठीक है, नोट भी कर लो सर। फर्स्ट वाला स्लोप बताते हैं और सेकंड वाला स्लोप का चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ फर्स्ट स्लोप बताते हैं, पहले वाला स्लोप बताएगा, दूसरे वाला रेट ऑफ चेंज ऑफ द स्लोप बताएगा रिस्पेक्ट टू एक्स। यानी जिसके भी रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, एक्स में करेंगे तो एक्स में, टाइम में करेंगे तो टाइम। ओके जी सर, थैंक यू, लिख लिया सर। अब देखो मैं स्लोप के बाद क्या लिखा हुआ है, वो कहां पे, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप विद रिस्पेक्ट टू WRT रिस्पेक्ट टू एक्स। थैंक यू सर। चलिए अब इसके पे एग्जांपल सिंपल सा कर लेते हैं, जो काइनेमेटिक्स का एग्जांपल है। मान लो एक पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस का लॉन्ग मूव कर रहा है और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो टाइम के साथ गिवन है आपको। क्या गिवन है, एक्स इज फिर से 5t³ ले लेता हूँ और 2t² ले लेता हूँ प्लस टी ले लेता हूँ, चाहे टी को छोड़ो 4 ले लेता हूँ छोड़ो। ये मैंने ले लिया एक्स का फंक्शन जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। यहां सुनना, बहुत मुश्किल नहीं है, सिंपल सी बात है। यानी इसका मतलब क्या है कि टाइम की वैल्यू पुट करो तो मैं x का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। यानी कोई बोले कि t = 1 पे वही x कोऑर्डिनेट क्या है, तो हम कहेंगे ठीक है जी, टाइम को हम क्या पुट कर देते हैं 1, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5 + 2 + 4 यानी 7 + 4 = 11। तो t = 1 पे जो इसका x कोऑर्डिनेट है वो क्या आ जाएगा, 11। सिंपल एकदम। कोई कहे कि t = 2 पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है जी पुट कर देते हैं। पहले मैं t का क्यूब है यानी 2 का क्यूब 8 होता है, तो 8 × 5 = 40 है ना। नेक्स्ट जो भी आएगा प्लस जो भी आएगा ऐड करके बता दो, तो दैट इज द x कोऑर्डिनेट एट t = 2। क्या ये बात समझ आ गई? नहीं सर। नहीं आई? ओके चलो बता देता हूं। देखो अगर x ये टाइम का फंक्शन है ना, तो वर्ड्स में लिखते हैं, a particle is moving along x-axis such that its x coordinate as a function of time is given above। यानी
जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा जो मूव करेगा एक्सिस पे, ठीक है। तो इसे नोट कर लो फिर बता दो, या यहाँ आगे लिख देता हूँ। जैसे ये ओरिजिन है, ठीक है, तो पार्टिकल चल रहा है एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, तो किसी टी वन टाइम पर ये यहां था, एक्स वन पे था, किसी दूसरे टाइम पर टी टू टाइम पर ये एक्स टू पे था। और ये टी क्या चीज है, स्टॉप क्लॉक, याद है ना काइनेमेटिक्स में क्या होता है, एक ऑब्जर्वर होता है जो ऑन कर देता है और टाइम जीरो से शुरू होता है, ठीक है ना, जीरो से शुरू होता है और ठीक है हमें मतलब ऑब्जर्वेशन मिल जाती है कि फर्स्ट फाइव सेकंड्स में क्या हुआ या एट द फिफ्थ सेकंड कहां था पार्टिकल एंड सो ऑन, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लेनी है, स्टॉप क्लॉक तुम्हें टाइम बता रही है। तो यहाँ पर सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि जब टाइम जीरो है तो क्या वो ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है मोशन, तो इस इक्वेशन को इस एक्सप्रेशन को देख के हम समझ जाएंगे नो, टी को जीरो पुट करोगे तो एक्स क्या आ रहा है, फोर, यानी इसने अपना जो ऑब्जर्वेशन है वो स्टार्ट ही वहां से किया है जब पार्टिकल कहां पे था, एट एक्स इक्वल टू फोर। यानी टी जब जीरो पुट करते हैं, जब स्टॉप क्लॉक ऑन की हमने, टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ, तो क्या पार्टिकल ऑरिजिन पे था, तो आंसर है नो। तो इस एक्सप्रेशन में जब मैं टी जीरो पुट करता हूं तो एक्स की वैल्यू क्या आती है, फोर, ठीक है ना, यानी पार्टिकल कहां पे था, फोर पे। क्या मेरी बात समझ आई? जी सर। ओके, और अगर मैं कहूं कि टी इक्वल टू वन पे पार्टिकल कहां है, एक्स कोऑर्डिनेट क्या है उसका, तो क्या करना है, इस एक्सप्रेशन में टी की वैल्यू वन पुट कर देनी है। जैसे एक्स कोऑर्डिनेट एट टी इक्वल टू वन मुझे निकालना है, तो मुझे क्या करना है, फाइव इंटू वन का क्यूब प्लस टू वन का स्क्वायर प्लस फोर, यानी फाइव प्लस टू प्लस फोर यानी इलेवन, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया इलेवन, कब, एट टी इक्वल टू वन सेकेंड। क्या ये बात समझ आई? हाँ सर। अच्छा और यस सर। ओके शाबाश। और एक्स की वैल्यू क्या है, टू सेकंड पे निकालना है, मान लो क्या करूं, टी की वैल्यू टू पुट कर दूं, तो टू का क्यूब क्या होता है, एट, फिर ये होता है फोर और ये होता है फोर अगेन, तो ये हो गया फोर्टी, ये हो गया एट प्लस फोर यानी कि फिफ्टी टू। अगर ये सेंटीमीटर है, मीटर है, जो भी एक्स की वैल्यू, ठीक है ना, वो हम लिख सकते हैं। तो हमारा एक्स एट टी इक्वल टू टू सेकंड जो है वो क्या आया, वो आया 52। क्या ये बात समझ में आ गई? हाँ सर। ठीक है, अब कोई आपसे ये कहे कि वन से लेकर टू के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या है पार्टिकल का, ठीक है ना, तो क्या करेंगे, फाइनल एक्स में से इनिशियल एक्स को माइनस कर दीजिए, डिस्प्लेसमेंट चल ना, ये तो करना है, यानी कि अब डिस्प्लेसमेंट एक्स इक्वल टू वन से लेकर टू का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये डिस्टेंस तो है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल, राइट। तो पहले जो एक्स टू क्या, एक्स टू डिस्टेंस कहां से होता है, ऑरिजिन से होता है, तो पूरा जो डिस्टेंस ऑरिजिन से एक्स टू, उसमें से अगर ये वाला माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें ये डिस्टेंस मिलेगा, और ये क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट है कब, टू और वन सेकेंड के बीच में, यानी वन से लेकर टू सेकेंड के बीच में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ बॉडी का वो हमें मिल जाएगा। यार चुप हो जाओ सर। हाँ जी बोलिए बेटा। सर आपने यहाँ पे x t is equals to 25 लिखा है क्या? नहीं, सेकेंड है ये, s हटा देते हैं, सेकेंड, s for second, बाकी t is equal to 1 and t is equal to 2, यहाँ पर हमने x की वैल्यू निकाली है। ओके सर। तो ना यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। सही। अब जो है dx by dt हमें क्या देगा, डिफरेंशिएट तो कर लेंगे बट उसका फिजिकल मीनिंग क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या देगा, रिस्पेक्ट टू टाइम, वेलोसिटी, हाँ सॉरी कुछ कर रहा था, लिख रहा था। यानी अब हम देखते हैं सेकंड पॉइंट जो होगा, जो डी एक्स बाय डी टी है वो होगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, बोल सकते हो उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी,
यानी अगर आपसे कोई कहे कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ एट t इज इक्वल टू 1 एट t इज इक्वल टू 2 फाइंड वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 एंड t इज इक्वल टू 2 तो पहला काम आप क्या करोगे पहले तो उसको डिफरेंशिएट करोगे तो x हमें गिवन क्या है x हमें गिवन है 5t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर प्लस 4 है ना यही गिवन है ना तो हम क्या करेंगे पहले तो इसे कर देंगे डिफरेंशिएट dx by dt जो क्या आएगा 15t स्क्वायर प्लस 4t ये आएगा देखो तो dx by dt की वैल्यू क्या आ गई 15t स्क्वायर प्लस 4t जी सर कर रहा था ओके अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए dx by dt की वैल्यू चाहिए एट t इज इक्वल टू 1 जो बेसिकली क्या है वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 तो बस वैल्यू पुट कर दो तो 15 into 1 का स्क्वायर प्लस 4 into 1 तो यानी आ गया 15 प्लस 4 दैट इज 19 मीटर पर सेकंड तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल गई एट t इज इक्वल टू 1 तो dx by dt हमें क्या देगा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो t इज इक्वल टू 1 पर हमें मिल गया वेलोसिटी एट t इक्वल टू 1 कितना आया 19 मीटर पर सेकंड चलिए क्लियर है देखो हाँ सर एकदम यस सर चलिए अब हमें क्या चाहिए हमें वेलोसिटी चाहिए एट t इज इक्वल टू 2 तो यानी वेलोसिटी चाहिए t इज इक्वल टू 2 तो डिफरेंशिएट तो हमने कर ही रखा है ये वाला ये तो dx by dt है ही तो बस इसी में पुट कर देंगे टाइम को 2 तो आएगा 15 into 2 का स्क्वायर व्हिच इज 4 प्लस 4 into 2 यानी 8 तो ये आ गया 68 मीटर पर सेकंड तो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 इज 68 मीटर पर सेकंड तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें मिल रही है एट t इज इक्वल टू 2 या t इज इक्वल टू 1 जो भी पूछे हम निकाल सकते हैं है ना यानी dx by dt ने एक्सप्रेशन किसका दे दिया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अब जिस टाइम पर भी पूछेंगे वो टाइम पुट कर दीजिए एंड यू विल गेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट टाइम क्या ये सही है समझ में आ रहा है जी सर चलिए वेलोसिटी की बात हो गई हाँ ठीक है बोलो बेटा समझ गया गुड अंशिका आपके समझ में आ गया यस सर अब तुम मुझे ये बताओ x का फंक्शन गिवन है टाइम में इसका जो सेकंड डेरिवेटिव है वो हमें क्या देगा फर्स्ट डेरिवेटिव ने तो वेलोसिटी दे दी सो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी शाबाश यानी कि अब यानी हमें क्या करना था d / dt ऑफ dx / dt और dx / dt तो वेलोसिटी है तो अब क्या निकालना है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है एक्सेलरेशन शाबाश बिल्कुल सही यानी अब आपसे पूछा जा सकता है अगला पांच भी बना लेते हैं कि d2x by dt2 will give us या ठीक से लिख लेते हैं dx by dt actually यानी d by dt of v and this is acceleration वो भी कैसा instantaneous actually instantaneous ठीक है ना तो instantaneous acceleration मिलेगा हमें जब हम d2x by dx2 की वैल्यू की बात करेंगे तो चलिए अब क्वेश्चन के फॉर्म में ले लेते हैं So find A at t is equal to 1 and t is equal to 2. फिर से वही करते हैं तो यानी एक बार और डिफरेंशिएट करना है हमें और देखना है कि एक्सेलरेशन इस बार क्या आएगा तो dx by dt ये है हमारे सामने ठीक है dx by dt ये है तो अगर मैं इसे अब डिफरेंशिएट करता हूं तो ये आएगा क्या आएगा 30t plus 4 तो d2x by dt2 क्या आ गया 30t plus 4 ये है क्या बेसिकली ये dv by dt है या ये acceleration है तो acceleration हमारा 30t plus 4 आ गया तो अगर कोई देख के इसे बताए पूछे आपसे कि क्या ये यूनिफॉर्म acceleration है तो हम क्या बोलेंगे क्या ये constant acceleration है या ये चेंज हो रहा है चेंज हो रहा है सर अगर acceleration है तो velocity में चेंज होता है नहीं velocity में चेंज होगा बट acceleration खुद कैसा वेक्टर है मतलब कांस्टेंट वेक्टर है या वेरिएबल वेक्टर है इसके बारे में क्या बोलोगे
यानी विद टाइम एसिलेशन भी चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा? वेलोसिटी तो चेंज होगी, चेंज हो रहा है सर, हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, क्योंकि हाँ क्योंकि टाइम का फंक्शन है, हमें साफ दिख रहा है एसिलेशन इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, यानी अलग अलग टाइम पर इस 30t+4 की अलग अलग वैल्यू आने वाली है, यानी टाइम बदलेगा तो ए भी बदलेगा, यानी ए इज वेरिएबल, इट इज नॉट अ कॉन्स्टेंट। क्या क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा गया था, हमसे यही तो पूछा गया था कि भाई एसिलेशन की वैल्यू बताओ एट t=1 सेकंड एंड t=2 सेकंड, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो यहां पर एसिलेशन एट t=1 क्या आएगा, 30 × 1+4 दैट इज 34 m/s², तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ये एट t=1, और t=2 पे भी नाम से कर लेंगे, है ना, एक्सप्रेशन तुम्हारा ये है, तो 30 × 2 है ना प्लस 4 यानी कि 64 m/s². बिल्कुल सही, तो हमें ये एक्सप्रेशंस मिल गए एसिलेशंस के एट t=1 एंड t=2। तो सेकंड डेरिवेटिव का हमें मतलब भी पता लगा, इंपॉर्टेंस पता लगा, ठीक है। सॉरी, और काइनेमेटिक्स में इस पर बेस्ड जो सवाल आते हैं वो भी हमने देखे। ठीक है, क्लियर है यहां तक? इसे नोट कर लो, या कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। नोट भी कर लिया, नोट कर लिया, साथ साथ नोट किया आप लोगों ने? जी मैंने भी कर लिया। ठीक है जी बेटा, तो मैं नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूँ एंड आगे देखते हैं कि आगे बताने के लिए क्या है। यानी अभी तक हमें क्या पता लगा, हमें डिफरेंशिएशन का मीनिंग पता लग गया, कैसे करते हैं डिफरेंशिएशन वो पता लगा, सेकंड डेरिवेटिव पता लगा, फर्स्ट डेरिवेटिव पता लगा, उसका एप्लीकेशन पता लगा, है ना, कि रेट ऑफ चेंज से हम कैसे हम काइनेमेटिक्स में इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अभी हम वापस आते हैं क्योंकि हमें मैक्सिमम मिनिमम सीखना है, क्योंकि हमारी ओरिजिनल प्रॉब्लम क्या थी कि फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स यूजिंग कैलकुलस मेथड और रिलेटिव मेथड, उसी पे आना है हमें। लेकिन वो तो एक मतलब बहाना है, कहने का मतलब सिखाना तो हमें यह है कि इस पूरे कॉन्सेप्ट को कैसे अंडरस्टैंड करना है और डिफरेंट चीजों में लगाना है। चलिए, तो अब हम सीखते हैं कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, जैसे वाई अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो उसका dy/dx d/dt क्या होगा। ठीक है ना, अब इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब देखो यहाँ क्या है, जैसे वाई है मान लो (2x²+x+1), ठीक है, और यहाँ पे ये बात मान, ये सोच के चलते हैं कि x इज ग्रेटर देन 1, मतलब फ्रैक्शन में नहीं है, ठीक है ना, फ्रैक्शन में ये नहीं होता भी तो भी शायद कोई प्रॉब्लम नहीं है ख्याल से। तो यहाँ पे हम एक चीज देख सकते हैं कि x अगर इंक्रीज करता है ना, तो y भी इंक्रीज कर रहा है, तो y कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग जी, है ना, इंक्रीजिंग हो गया। चलो इसको मैं थोड़ा सिंपल बनाता हूँ, मैं इसको ये टर्म्स ही बनाता हूँ, ठीक है, 2x² बनाता हूँ। तो 2x² से हम ये समझ गए कि अब ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है तो इसका एक तरीका और है देखने का कि अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका जो स्लोप होता है dy/dx वो कैसा आता है, ये आ गया 4x। तो x भी अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव, यानी इंक्रीजिंग फंक्शन का dy/dx क्या है, पॉजिटिव। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो dy/dx है वो है पॉजिटिव। तो हम एक पॉइंट में आके लिखेंगे, इफ y इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, then dy/dx is positive, ठीक है ना। अगर y एक increasing function है तो उसका जो rate of change है वो एक positive quantity है, dy/dx is positive, right? और अगर y एक decreasing function है ना, लिख लेते हैं आगे, and if y is an decreasing function, dy/dx is negative। ये पहले लिख लो, मैं इसको थोड़ा और समझाता हूँ, एलेबोरेट करता हूँ, अब इसे नोट कर लेंगे।
कर लिया? नहीं सर, एक सेकेंड। कर लिया सर। ठीक है, अंशिका आपने भी कर लिया? सर एक सेकेंड। यस सर डन। ठीक है, तो ये दो चीज हम याद रखेंगे और इसको समझ भी लेते हैं। जैसे कि अगर कोई इंक्रीजिंग फंक्शन है ना, तो स्ट्रेट लाइन की बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये लाइन, सपोज ऐसे लाइन है, ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि भाई x अगर x1 से x2 होता है तो ये भी y से y होगा, यानी x के बढ़ने से अगर y भी बढ़ता है तो ये कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग है ना, एज विद एक्स वाई इज इंक्रीजिंग, वाई इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। और इसका स्लोप देखो जरा क्या था, थीटा एक्यूट है, तो इसका जो स्लोप होगा डीवाई बाई डी एक्स टेन थीटा, और टेन थीटा पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है, यानी एंगल अगर एक्यूट है तो ये पॉजिटिव होता है। ट्रिग्नोमेट्री में शायद आपको शायद ना बताओ कि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा नेगेटिव होने वाला है, पता है आप लोगों को? ऑल साइन टेन कॉस नहीं, चलिए उसके बारे में बात करेंगे, बट ये याद रखे थे, चलो पॉइंट बना लेते हैं। टेन थीटा इज पॉजिटिव व्हेन थीटा इज बिटवीन 0 एंड 90, ठीक है, एंड सेकेंड इज टेन थीटा इज नेगेटिव व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। ये दोनों पॉइंट बना लो, ये अच्छे से याद कर लो, यानी 90 और 180 के बीच में जो होता है ना, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चार क्वाड्रेंट होते हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट है 90 से 180 के बीच में, एंड इन दिस क्वाड्रेंट 10 थीटा इज नेगेटिव, अभी फिलहाल याद ही कर लें, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और 90 के बीच में जब होता है तो ये होता है पॉजिटिव, इसे आप याद रखें, और 10 थीटा में स्लोप देता है, तो इसका मतलब जब भी एंगल एक्यूट होगा टेंजेंट का, लाइन का, ठीक है ना, तो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव, और जब भी ये ऑब्ट्यूस होगा मोर देन 90 होगा तो फिर क्या आएगा? नेगेटिव। चलिए, एरो से आप ये समझ गए होंगे कि जैसे x इंक्रीज कर रहा है x1 से x2, तो y भी करस्पॉन्डिंगली बढ़ा है, यानी y अगर x के साथ बढ़ता है, x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है, तो y कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन का dy / dx क्या होता है? पॉजिटिव। रेट ऑफ चेंज क्या होता है? पॉजिटिव। सीधी बात है, इसका मीनिंग है, अंडरस्टैंड है, याद भी क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y रिस्पेक्ट टू x, x के चेंज होने पर y क्या हो रहा है? y भी बढ़ रहा है, x के बढ़ने पर y भी बढ़ता है, तो rate of change is positive, और x के बढ़ने पर y अगर घटता हो तो it is a decreasing function, simple, understanding level पे लेके जाना है, बहुत रट्टा नहीं है, समझना है बस। चलिए, I hope समझ में आ गया होगा। आ गया अच्छे से आ गया जी, अच्छे से आया, good। अंशिका आपने भी कर लिया? No sir। कर लो, कोई doubt है तो पूछ लो, मतलब समझ में आ रहा है? Yes, sir. No, बोल सकते हो, जहां तुम्हें लगे कि यार ये पॉइंट नहीं आया तो एकदम बोल दो नो, ठीक है ना, और पूछ लो ऑन द स्पॉट और समझ के ही आगे बढ़ो। चलिए नोट कर लीजिए इसे, जिससे कि मैं आगे बढ़ूं, आज ये कंप्लीट करते हैं ये पार्ट, आपको मैक्सिमम मिनिमम पूरा सिखाई देते हैं, समझा देते हैं पूरा। कर लिया सर। अंशिका जी बताएं, हो गया? सब बस थोड़ा सा। सर आपने यहाँ पे इंक्रीजिंग के बाद में क्या लिखा है ऊपर? यस, मैं लिखा है कि एज विद एक्स,
y is increasing, arrow ka matlab increasing, as with x y is increasing, hence y is an increasing function. Okay, hence yes, sir. Y is an increasing function. और स्लोप हमने देख लिया पॉजिटिव है, तो डीवाई बाई डीएक्स कैसे आ गया पॉजिटिव. तो कंक्लूजन क्या है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका डीवाई बाई डीएक्स क्या होगा पॉजिटिव. ठीक है, ये कंक्लूजन याद रखनी है, समझ लेनी है कि अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो उसका रेट ऑफ चेंज रिस्पेक्ट टू एक्स जो होता है पॉजिटिव आता है, और अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव आने वाला, जो मैं नेक्स्ट डायग्राम में बनाने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ. डन. चलिए अगले डायग्राम में देखो कि अगर मैं ऐसा कुछ बना दूं, ठीक है, और ये लाइन हो, राइट, तो मान लो ये पॉइंट बना देता हूं मैं, ये पॉइंट है मान लो P1, और P1 से ये P2 है. हमने देखा कि इसके कोऑर्डिनेट हैं X1, Y1, और इसके कोऑर्डिनेट हैं X2, Y2. तो ये X1 से X2 जैसे ये बढ़ता है, y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, y डिक्रीज हुआ है, y कोऑर्डिनेट नीचे आया है. जैसे ही x1 x2 बढ़ा, x1 x2 की तरफ बढ़ा, y डिक्रीज हुआ. दिख रहा है आपको, as we move from p1 to p2, x कोऑर्डिनेट इज इंक्रीजिंग, बट व्हाट इज हैपनिंग विद द y कोऑर्डिनेट, इट इज डिक्रीजिंग, हेंस y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं, as x increases y decreases, hence y is a decreasing function. खाली df लगने देता हूं, decreasing function. और उसका स्लोप निकालें अगर, तो dy by dx जो tan theta के बराबर है, और theta तो ये वाला है जो obtuse है, जो negative होता है, तो इसका मतलब स्लोप is negative. ये हमारी conclusion है short में. यानी the function is decreasing, then slope is negative. नोट कर लो इसे. सर, जो आपने जो फिगर में यहाँ पे x1 ये p1 लिखा है क्या, ऊपर p1 है फिर p2 है, और p1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1, ओके सर, और p2 के कोऑर्डिनेट हैं x2 कॉमा y2. तो ये हम देख सकते हैं कि P1 से P2 जब मूव करेंगे, यानी x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या कर रहा है, वो घट रहा है, डिक्रीज कर रहा है. तो x के बढ़ने पर अगर y डिक्रीज करता हो तो इसे क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है ना, x के बढ़ने पर y बढ़ता हो तो क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन. और इंक्रीजिंग फंक्शन का dy by dx क्या होता है, पॉजिटिव, और डिक्रीजिंग का dy by dx क्या होता है, नेगेटिव. सर मैं कर चुका हूँ. कर चुके हो, अंशिका आपने कर लिया? यस सर. ठीक है,
अब ये दो चीजें हमें क्लियर हो गई कि भाई इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होता है, राइट। अब हम आ रहे हैं अपने इस टॉपिक पर जहां हमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस देखनी है, ठीक है ना। तो हेडिंग लिख देते हैं मैक्सिमा मिनिमा, ठीक है। और यहाँ पे इसको लोकल एक वर्ड लिख देते हैं, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा एक्चुअली, ठीक है। तो बहुत आराम से समझते हैं सुनते हैं, है ना, कुछ ज्यादा कुछ खास नहीं करना। कि चलो पहले खैर ये जानते हैं, कुछ ग्राफ समझने पड़ेंगे आपको। जैसे अगर ग्राफ मैंने ऐसा कुछ बनाया, राइट, ये वाई है ये एक्स है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वाई कैसा फंक्शन है, वाई इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या लिखोगे? हाँ जी अनान जी बोलो, x के बढ़ने पे y बढ़ रहा है या घट रहा है, क्या हो रहा है? x बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है ना। ये आप आराम से देख सकते हो, जैसे यहाँ पे x था ये y था, x आपने बढ़ाया y भी बढ़ा, है ना। यानी जैसे x बढ़ रहा है y भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब y इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, एकदम अच्छे से नोट कर लो। तो y इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगला सवाल है कि dy by dx कैसा फंक्शन है, यानी as x increases what is happening with the value of dy by dx? तो आपको ये सोचना है कि पी वन पॉइंट है, ये पी टू पॉइंट है, ये पी थ्री पॉइंट है। क्या लगता है तीनों पॉइंट पे स्लोप इक्वल है, या मैक्सिमम स्लोप पी टू का है, या पी वन का है, या पी टू का है? व्हाट इज हैपनिंग विद द स्लोप एज वी मूव फ्रॉम पी वन टू पी थ्री, व्हाट इज हैपनिंग विद द स्लोप, इज इट इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग? ये सोचना है, इंक्रीजिंग होगा ना, आप बोल रहे हैं इंक्रीजिंग होगा, अनन जी सर, ओके। अंशिका आप क्या बोलते हैं? सर डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ओके। चलिए अब देख लेते हैं आंसर, राइट। तो आंसर देखने के लिए हमें क्या करना है, हमें ये थोड़ा प्लॉट करना चाहिए। यहाँ पे टेंजेंट बनाया मैंने, ये एंगल आया थीटा वन, यहां टेंजेंट बनाया, एंगल आया थीटा टू। तो पहले अंदान ये बताओ कि थीटा वन बड़ा है कि थीटा टू बड़ा है? थीटा वन, राइट। और टेन थीटा आपको याद है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है जीरो से नाइनटी के बीच में। तो थीटा वन अगर बड़ा है तो टेन थीटा वन मस्ट बी ग्रेटर देन टेन थीटा टू। स्लोप क्या होता है? टेन थीटा होता है ना। तो P1 पे जो स्लोप होगा वो टेन थीटा वन होगा, और P2 पे जो स्लोप होगा वो टेन थीटा टू होगा, ऐसा है कि नहीं? हाँ सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि P1 पर जो स्लोप है वो ग्रेटर है और P2 पे जो स्लोप है वो स्मॉलर है। डिक्रीजिंग जी सर। हाँ सही, कंक्लूजन निकल जाएगा लेकिन बहुत आराम से तसल्ली से सीखना है, क्योंकि अगर हम जल्दी चलेंगे तो फिर वो बात रह जाएगी बीच में, समझना है। तो यहां पर अगर मैं बनाऊं टेंजेंट तो ये थीटा थ्री आएगा एंड इट इज स्टिल स्मॉलर। तो यानी स्मॉलेस्ट स्लोप कहां पे है? पी थ्री पर, और लार्जेस्ट कहां पे है? पी वन। तो हमें ये समझ आया कि एज वी मूव फ्रॉम पी वन टू पी थ्री स्लोप इज डिक्रीजिंग, इट मीन स्लोप इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, डी वाई बाई डी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन,
ठीक बात है। यस सर। तो अगर वाई इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर वाई इंक्रीजिंग फंक्शन है तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन कैसा होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका साइन क्या होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर अगर इंक्रीजिंग होता है तो पॉजिटिव होता है, अगर डिक्रीजिंग होता है तो नेगेटिव। वेरी गुड। तो y एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इससे उसका डी वाई बाई डी एक्स कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक बात है। हाँ सर। राइट। लेकिन जो डी वाई बाई डी एक्स है वो खुद कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। नेगेटिव। हाँ, तो उसका डिफरेंशिएशन जो है यानी डी टू वाई बाई डी एक्स टू वो क्या होगा, वो नेगेटिव होगा। डी वाई बाई डी एक्स खुद जो फंक्शन है वो कैसा, देखो वाई एक इंक्रीजिंग फंक्शन था, y क्यों इंक्रीजिंग था, क्योंकि x बढ़ता है तो y भी बढ़ता है, तो y कैसा फंक्शन हो गया, इंक्रीजिंग। तो उसका dy by dx कैसा होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अगर वो इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव हो गई हो। चलो जी, बात समझ आ गई। अब dy by dx कैसा फंक्शन है, तो हमने चेक किया कि x बढ़ता है तो dy by dx घटता है, डिक्रीज करता है, तो dy by dx खुद कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। तो इसे भी डिफरेंशिएट कर देंगे यानी सेकंड डेरिवेटिव निकाल लेंगे तो वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा। क्या ये बात समझ आ गई? हां सर। यस सर। वेरी गुड। ठीक है ना, तो ये अब हमें बात को अच्छे से समझना है। अब मैं एक और डायग्राम बना रहा हूं। तो आज हम मैक्सिमा को तो सीख ही लेंगे, तो मिनिमा पे मुझे देखते हैं चलो क्या होता है। अब ये ग्राफ ऐसा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक बात अंडरस्टैंड करना। जैसे अच्छा मैं आपसे ये पूछूं कि माइनस टू बड़ा होता है या माइनस फोर, कौन बड़ा है? माइनस फोर। नो नो नो, माइनस टू बड़ा है भाई। यस सर, माइनस टू बड़ा है सर, मुझे लगा था आपने माइनस फाइव बोला था पहले। नहीं, माइनस टू एंड माइनस फोर बोल रहा हूँ, तो माइनस टू इज ग्रेटर, माइनस टू ज्यादा बड़ा है, माइनस टू। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर अगर मान लो ऐसा कुछ हो और ये पी वन पॉइंट हो या पी टू पॉइंट हो, तो पी वन पे जो स्लोप है वो ये वाला है, राइट? तो ये एंगल है मान लो थीटा वन, स्लोप तो इसी का टेन थीटा आएगा। बट आप कंपेयर करने के लिए ना इसका ये देख सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल 180 माइनस थीटा 1, ठीक है। और अगर ये वाला एंगल है तो ये थीटा 2 है, तो इसका सप्लीमेंट्री ये 180 माइनस थीटा 2 देख सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल है तो स्लोप तो दोनों के क्या होने वाले हैं, नेगेटिव। स्लोप क्या होने वाले हैं, ध्यान से सुनो, कॉन्सेंट्रेशन को इधर से उधर मत होने दो, ध्यान से सुनो। P1 और P2 दोनों पे टेंजेंट में बना रहा हूं, P1 पे मैंने टेंजेंट बनाया तो ये x एक्सिस एंगल क्या है बेटा, देखो थीटा 1, ध्यान देखो। P1 पे जो टेंजेंट गया पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस से जो एंगल बनाया वो क्या था, थीटा 1। कहीं क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो थीटा 1 जो है वो एंगल है और tan थीटा 1 उसका स्लोप हो जाएगा, राइट? P2 पर जो टेंजेंट जाएगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंगल बनाएगा थीटा 2। याद रखना क्या एंगल है, थीटा 2, ऑब्ट्यूस एंगल है भी, तो tan थीटा 2 क्या देगा, इसका स्लोप। दोनों एंगल ऑब्ट्यूस हैं, इसका दोनों स्लोप्स कैसे हैं, नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो आपने जो बिल्कुल लास्ट में का एक बार वो प्लीज एक बार फिर से बोल दीजिए। लास्ट पेज? नो सर। सर मैं बोल रहा हूँ आपने जो लास्ट लाइन बोली ना वो मैंने सुनी नहीं, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। देखो इसका कलर मैं या तो डिफरेंट यूज करता हूँ। पी वन का देखो टेंजेंट ये है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस है और ये एंगल है जो पी वन के लिए बनाया थीटा वन, इसे मैं बोल रहा हूँ थीटा वन। यस सर। ठीक है, ये बात समझ आई? ये क्या है, थीटा yes, sir. वन। और जो P2 पर टेंजेंट है वो ये लाइन है जो इस पॉइंट पे टच कर रही है और ये एंगल क्या है, थीटा 2। ये समझ आया? तो टेन थीटा 1 मुझे किसका स्लोप देगा, पहले वाले टेंजेंट का। यस सर। टेन थीटा 2 मुझे किसका स्लोप देगा, दूसरे वाले टेंजेंट का, राइट? यस सर। यार ये कौन है, एक
चलिए ठीक है, सुनिए आगे। चलिए तो थीटा वन और थीटा टू जो है ये एंगल्स हैं और टेन थीटा वन टेन थीटा टू क्या है, इनके स्लोप्स, राइट। अच्छा अब हमें ये देखना है, एक बात अच्छे ध्यान से देखना कि जो मैग्नीट्यूड होगा, माइनस साइन को अगर इग्नोर कर दें, माइनस साइन को इग्नोर कर दें, तो पहले वाले का जो एंगल है ये वाला अंदर वाला, यानी 180 माइनस थीटा वन, ये क्या होगा, स्मॉलर, क्या होगा, यस सर, स्मॉलर, स्मॉलर, राइट। तो इसका मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो वैल्यू है, माइनस को इग्नोर कर दें तो वो होगी छोटी, एंगल छोटा, वैल्यू छोटी। तो मान लो वो टू है, मान लो वो टू है लेकिन उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो नेगेटिव है। और जो दूसरा वाला है उसका ये वाला एंगल बड़ा है ना, ऑन द अदर साइड जो एंगल है वो क्या है, बड़ा। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बड़ी होगी, मान लो फोर है, बट उसके आगे माइनस लगाना पड़ेगा क्योंकि ये नेगेटिव है। यहां तक समझ जाओ पहले, यानी कि पहली वाली लाइन का स्लोप है मान लो माइनस टू और दूसरी वाली लाइन का स्लोप है मान लो माइनस फोर, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। अंशिका को आ गई अदनान? यस सर। पक्का बोलो, ठीक से समझ आया? आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई। तो पहले वाले का जो स्लोप है वो माइनस टू है और दूसरे वाले का स्लोप माइनस फोर है। तो जब तुम माइनस टू से माइनस फोर जाते हो तो वैल्यू डिक्रीज हुई है या इंक्रीज हुई है? डिक्रीज। सर अगर हम माइनस साइन को हटाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगी? नहीं नहीं, माइनस साइन को हटाना नहीं अभी, तो स्लोप लिखते वक्त मैंने आपको तरीका बताया कि हाउ टू राइट द स्लोप, बट अब अभी माइनस को साथ ले दो, चलो इफ यू आर मूविंग फ्रॉम माइनस टू टू माइनस फोर देन क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है या इंक्रीज हुआ है? सर डिक्रीज, डिक्रीज, इस बात को भूलना नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि पी वन से पी टू की तरफ जब तुम जाओगे तो स्लोप क्या कर रहा है, डिक्रीज। पी वन का स्लोप क्या था, माइनस टू, पी टू का स्लोप क्या है, माइनस फोर। तो माइनस टू से माइनस फोर जाओगे तो क्या हुआ, वैल्यू डिवाइड बाय x का डिक्रीज, ये भूलना नहीं है, इसे समझ लो। क्या मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। अदनान को नहीं आई? सर आ गई सर। अरे ओके गुड। तो यानी इसका मतलब ये हुआ कि डीवाई बाय डीएक्स कैसा फंक्शन है। देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना है, पहले तो ये देखना है कि वाई कैसा फंक्शन है ऐसे वाले डायग्राम में, y कैसा फंक्शन है। तो y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, क्योंकि भाई x x बढ़ता है y घट रहा है वो तो दिख रहा है, y का डिक्रीजिंग फंक्शन, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं। और अगर मैं बोलूं कि dy / dx कैसा फंक्शन है, सर पॉजिटिव फंक्शन, इंक्रीजिंग, वो भी डिक्रीजिंग फंक्शन है, सॉरी सर, है ना, क्योंकि तो अगर डी वाई बाई डीएक्स डिक्रीजिंग फंक्शन है तो डी टू वाई बाई डीएक्स टू क्या आएगा, क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? डिक्रीजिंग फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैसा आता है? नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि नेगेटिव ही आएगा, नेगेटिव ही आएगा, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब है ऐसे ग्राफ का जो dy / dx था वो भी नेगेटिव था, क्योंकि y एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और d2y / dx2 का जो साइन है वो भी नेगेटिव आएगा, बिकॉज़ dy / dx भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। क्या मेरी बात समझ आ गई, आई कि नहीं आई? आ गई सर। मैं अब नेक्स्ट, अब मैं इसे समराइज कर रहा हूँ, यानी ग्राफ अगर आपका ऐसा बनता है, ठीक है ना, तो हम लिखेंगे y इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हेंस dy / dx इज नेगेटिव, फिर dy / dx इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, हेंस d2y / dx2 इज आल्सो नेगेटिव। ये यहां पे समरी लिख दो, यानी ग्राफ अगर ऐसा कुछ कर्व्ड हो तो इसका जो dy / dx है वो भी नेगेटिव है, क्योंकि y खुद एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, और dy / dx एक डिक्रीजिंग है, इसलिए d2y / dx2 भी नेगेटिव है। सही है जी सर, नो डाउट। समझ गए बेटा? हाँ सर। चलिए अब मैं आपको कुछ समराइज कर रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूं।
अगर वाई और एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा हो, ऐसा करके ऐसा हो मान, ठीक है, तो यहां पे एक बात अंडरस्टैंड करना कि ये जो पॉइंट होता है ना, इसे बोलते हैं लोकल मैक्सिमा। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा क्या बोलते हैं? तुम लेफ्ट में जाओगे तो वाई घटेगा, राइट में जाओगे तो वाई घटेगा, तो ये मैक्सिमा पे है। दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा एंड दिस पॉइंट इज ऑल्सो लोकल मैक्सिमा। मैक्सिमा, इस बात को समझो। मैक्सिमा क्यों? मैं बता रहा हूं, एक्स घटता है तो वाई मैक्सिमा पे, वाई भी घट रहा है, और एक्स बढ़ेगा तो भी वाई घटता है, यानी ये हिल का हिल टॉप है ये। एक्चुअली हिल के टॉप में क्या होगा, इधर से उतरो इधर से उतरो, वाई तो घटेगा ना। एक्स को डिक्रीज करो या एक्स को बढ़ाओ, ठीक है ना, वाई तो नीचे ही आएगा, तो एक तरह का टॉप हो गया ये हिल का टॉप। तो यानी ये क्या है? लोकल मैक्सिमम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकल मैक्सिमम। लोकल मैक्सिमा, राइट। चलिए अब ये दूसरा पॉइंट है, कर्व अगर ऐसा ड्रॉ हुआ है तो दूसरा पॉइंट भी क्या है, इसमें भी ऐसे ही है भाई, इधर जाओगे तो वाई घटेगा, इधर जाओगे तो वाई घटेगा, ये भी लोकल मैक्सिमा है। हाँ, ये हो सकता है कि यहाँ का जो मैक्सिमा की वैल्यू है वो इस मैक्सिमा से थोड़ा कम हो, लेकिन पूरे फंक्शन का मैक्सिमा नहीं है ये केवल लोकल मैक्सिमा है। जैसे 11th क्लास के पांच सेक्शन है और पांचों क्लास के अलग अलग टॉपर है, ठीक है ना, लेकिन जो पांचों में टॉपर होगा उसे हम बोल देंगे ग्लोबल मैक्सिमा, सबसे बड़ा भाई। लेकिन अगर मान लो सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो बी में जो टॉपर है वो ओवरऑल टॉपर नहीं है, पर अपने लोकल मैक्सिमा पे है, वो अपने क्लास का टॉपर है। वो सी वाला हो सकता है बी के टॉपर से नीचे नंबर लाया हो, नीचे नंबर लाया हो, लेकिन अपनी क्लास का टॉपर है वो, तो लोकल मैक्सिमा है वो, ठीक है ना। तो दो मैक्सिमा जो हो सकते हैं, है ना, तो एक हो सकता है कि ये वाला मैक्सिमा इस वाले मैक्सिमा से कम हो, इट इज वेरी मच पॉसिबल। तो मैक्सिमा का मतलब समझ जाओ, पांच सेक्शन है बच्चों के 11वीं के, ठीक है ना, ए बी सी डी ई, तो अपनी अपनी क्लास का जो टॉपर है वो लोकल मैक्सिमा है, और जो पांचों के पांचों जितने भी 11वीं के एग्जिस्ट करते हैं उन सबका टॉपर जो है उसे बोलते हैं ग्लोबल मैक्सिमा। उसकी जरूरत हमें पड़ेगी नहीं, हमें लोकल मैक्सिमा की ही जरूरत है। तो लोकल मैक्सिमा मतलब अपने नेबर्स में वैल्यू आपकी मैक्सिमा है, आप अपनी लोकेलिटी के रिचेस्ट पर्सन है तो यू आर द लोकल मैक्सिमा। इंडिया के रिचेस्ट, वर्ल्ड के रिचेस्ट होने की जरूरत नहीं है, अपनी लोकेलिटी के हैं, अपनी बिल्डिंग के हैं, ठीक है ना, वही काफी है, वही आप लोकल मैक्सिमा के हैं, ठीक है ना, आप सबसे होशियार बच्चे हैं, जो भी है। तो यानी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड एज लोकल मैक्सिमा। क्या ये क्लियर है? जी सर। चलिए अब देखो लोकल मैक्सिमा में क्या होने वाला है। यहां पर जो डी वाई बाय डी एक्स का साइन था वो था पॉजिटिव, यहां जो डी वाई बाय डी एक्स है, टेंजेंट जो होता है एग्जैक्टली हैट द हाईएस्ट पॉइंट डी वाई बाय डी एक्स, वो होता है जीरो। जीरो क्यों? क्योंकि ये लाइन है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर ये लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगी तो एंगल क्या बनाएगा? जीरो, और टेन जीरो क्या होता है? जीरो। तो यानी हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्लोप है टेंजेंट का वो क्या है? जीरो। लेफ्ट में क्या है? पॉजिटिव, और राइट में कैसा है डी वाई बाय डी एक्स? नेगेटिव। देखो ध्यान से इस बात को समझ लो, लोकल मैक्सिमम में क्या हो रहा है? लोकल मैक्सिमम क्या होता है? ऐसा टेंजेंट, फिर ऐसा टेंजेंट, फिर ऐसा टेंजेंट। तो ऐसे वाले टेंजेंट का स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। लेफ्ट में जो डी वाई बाई डी एक्स वो स्लोप कैसा है? पॉजिटिव। हाईएस्ट पॉइंट पे क्या है? स्लोप जीरो, और राइट में जाते हैं तो स्लोप कैसा है? नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जी सर। तो मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो क्या है? पहली कि डी वाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो, यानी मैक्सिमा हो या मिनिमम, बात करेंगे वाले मिनिमम की। तो मैक्सिमा पे पहली कंडीशन तो ये है कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो ये हाईएस्ट पॉइंट है, तो लाइन टेंजेंट क्या होगा? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस होगा, एंगल जीरो बनाएगा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है तो एंगल जीरो है, और टेन जीरो जीरो होता है। इसे पहली कंडीशन मैक्सिमा की आ गई कि डी वाई बाई डी एक्स शुड बी जीरो। समझ आ गया? हाँ सर। और दूसरी कंडीशन जो है वो क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स का साइन हमने चेक कर लिया, डी वाई डी एक्स पॉजिटिव था, जीरो है, नेगेटिव है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। डी वाई बाई डी एक्स खुद कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। समझ लो पहले इस बात को, एट मैक्सिमा नेवर टू द मैक्सिमा, मैक्सिमा के ऊपर घूमोगे तो डी वाई बाई डी एक्स कैसा फंक्शन होगा? डिक्रीजिंग। तो अगर वो डिक्रीजिंग फंक्शन है तो सेकंड डेरिवेटिव क्या होना चाहिए? नेगेटिव। तो इसका मतलब है कि एट मैक्सिमा जो कंडीशन है वो क्या है? डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एस डी वाई बाई डी एक्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन, ये लिख लेना। तो ये मैक्सिमा की कंडीशन हमने लिख ली है।
तो इसको सब जल्दी से लिख लो। समझ में आया बेटा ये? नहीं आया बोल दो। अंशिका समझ में आ गया? आ गया सर। यस सर, लिख लें। अच्छा जी, उनको भी आ गया और अंशिका को। वेरी नाइस। अभी वैसे मैं 2 मिनट के अंदर आपको मिनिमा की कंडीशन लिख देता हूँ, बाकी अगली क्लास में मैं इसको एलाबोरेट करूंगा। मैक्सिमा लिख लो पहले, कंप्लीट कर लो पहले, ये चीज कर लो। सही बात है, कर लो। फिर मैं आपको मिनिमा के बारे में खाना समझाना मत प्लीज। लिख लिया। अच्छा, अभी और कुछ समझाऊं? नहीं। अच्छा चलो, कोई बात नहीं। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, मैक्सिमा पे ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे ले जाते हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। चलिए चलो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको आगे ले जाते हैं। अच्छा, ये सारा समझ में आया आपको ठीक से? यस सर। जी सर।